नमस्कार, आप देख रहे हैं कि आरटी न्यूज़ नेटवर्क देश के वाज़ में आपके साथ महक रंधावा। आपको बता दें कि पूरे पठानकोट में 6 आंगनवाड़ी स्मार्ट जो सेंटर हैं वो अलॉट किए गए और 3 जो हैं वो सुजानपुर के हिस्से में आए। आज एक का शुभारंभ जो है फूलप्यारा में स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर का सुजानपुर के हल्का इंचार्ज और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के ठाकुर अमित सिंह मंटू के द्वारा किया गया। आपको बता दें तकरीबन लगभग 15 लाख की लागत से ये स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हल्का इंचार्ज आम आदमी पार्टी से ठाकुर अमित मंटू। मंटू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आरटी न्यूज़ की पूरी टीम का। मंटू जी, 15 लाख की लागत से ये सेंटर जो है बनाया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो मिल पाएगी अब? देखो, जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए खास एक सुविधा है, इधर स्टाफ होगा। उन बच्चों को पहले तो दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी इनके गांव में स्कूल में जो आंगनवाड़ी सेंटर की शुरुआत आज नींव पत्थर रखा है। ये 14,60,000 की लागत से ये बनेगा और बड़ी जल्दी ये कंप्लीट होगा और हमारे खास करके बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि पहले बच्चों को थोड़ा दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी उनके गाँव में ही है। सो मैं सारे अपने ग्राम पंचायत फूलप्यारा और सारे तमाम अपने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से ये सारा कंप्लीट होगा। और एक बार फिर से मैं पूरे गांव को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सर, ये जो निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया, कब तक ये पूर्ण हो जाएगा? मेरे ख्याल में 1.5 महीने तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमारे एक बाढ़ सुडाल धार ब्लॉक में वो लगभग कंप्लीट होने को है, और इसके बाद एक हमारे लाड़ी समांचा में है आंगनवाड़ी सेंटर। मेरे ख्याल लगता है कि 1.5 महीने में यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लोगों ने आपके सामने भी कुछ समस्याएं रखी हैं, उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा? हाँ, गांव के लोगों ने कुछ समस्याएं रखी हैं, जैसे स्ट्रीट सोलर लाइटों के लिए बोला है, फिर एक गांव के बाहर एक नाले का काम कुछ लगा हुआ है, थोड़ा सा रहता है। वो सेक्रेटरी को मैंने फ़ोन कर दिया, बोलते जल्दी उसका काम शुरू करवा के नए सिरे से और उसको कंप्लीट किया जाएगा। बाकी और भी कोई डेवलपमेंट के जो काम है वो लोगों ने अपनी समस्याएं बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो हल है वो जल्दी समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हल्का इंचार्ज ठाकुर अमित मंटू, जिन्होंने बताया है कि जो भी समस्याएं और गांव वासियों के द्वारा जो इनके समक्ष रखी गई हैं वो जल्द ही पूरा ज़रूर किया जाएगा। यहाँ पर गांव के जो वासी हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा ठाकुरपुरी सिंह जी। की कहना चाहते हो अज ठाकुर अमित सिंह मंटू द्वारा जोड़ा है ये स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर का शुभारंभ किया गया, की सुविधाएं जो है? बहुत बढ़िया काम है जी, अभी मंटू का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि साढ़े पिंड सेंटर देता है जी। बच्चे छोटे बच्चे सरकार की गल करिए पिछले 5 साल की, तो थानू की लगता है किस तरह का रहा विकास कार्य कंपेयर किया जाए तो अज के दिन कंपेयर किया जाए कि लगता कि कुछ बदलाव देखने मिले? काफ़ी कुछ बदलाव आया, जो सरकार पॉलिसियां बहुत वधिया जी, नामी सरकार बढ़िया आप भी पॉलिसी स्कीम बहुत वधिया, पेंशन एक पेंशन कर दी है ना, अगर MLA 6 पैसे लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत वधिया काम कर रहे हैं। जो पिंड है बड़ा पिछड़िया हो, मतलब हूँ इतने विकास की झड़ी देखने मिल रही है। जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत वधिया काम हो रहा जी, फायदा मिल रहा है। काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, पहले सरकार नालों काफ़ी इंप्रूव रही है, बहुत वधिया की तरह ने जिहड़ा उपराला वधिया। हाँ बहुत वधिया, अगे भी इदा ही वधिया करते रहन ते वधिया सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिंड वासी जो गाँव वासी है वो काफ़ी संतुष्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है स्मार्ट आंगनवाड़ी जो है वो सेंटर बनाया जाएगा, और देखिए कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है शुभारम्भ ठाकुर अमित सिंह मंटू के द्वारा किया गया, और जैसे कि वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने तक लगभग ये कार्य जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। ऐसे लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, यहाँ पर ही उनके गांव में आंगनवाड़ी सेंटर जो है अब ये मौजूद है और कुछ ही महीनों तक इसका कार्य जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा।